नमस्कार। सिविल सेवा परीक्षा में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रारंभ किए गए साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक में आपका स्वागत है। पहले की तरह इस अंक की भी शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को दी मंजूरी। केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने की वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत। संसद ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 को किया पारित। भारत में गाड़ियों के लिए नई स्क्रैप नीति का हुआ ऐलान। नई स्क्रैप नीति में डीजल और पेट्रोल के निजी वाहनों को 20 साल तक चलने की दी गई है इजाजत। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के बीच MOU साइन। बुंदेलखंड में नहीं होगी पानी की किल्लत। अमेरिकी स्थित प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार कोविड के कारण हुई है गरीबी में वृद्धि। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 5 में से 1 बच्चे को नहीं होता जरूरत का पानी उपलब्ध। रिजर्व बैंक ने की लाइसेंस आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए पैनल की घोषणा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 149 देशों की सूची में फिनलैंड शीर्ष पर, भारत को मिला 139वां पायदान। और संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों के अनुसार 20 से अधिक देशों के दरवाजे पर मौजूद है गंभीर भूख का संकट। तो ये थी मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को संसद में प्रस्तुत किया। आइए नजर डालते हैं विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर। विधानसभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में सरकार शब्द के उल्लेख का अर्थ उपराज्यपाल होगा। यह विधेयक उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को विस्तार देता है, जिसके अंतर्गत उपराज्यपाल को उन मामलों में भी विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं जहां कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधानसभा को है। यह विधेयक दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पूर्व उपराज्यपाल को अपनी राय देने हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करता है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि दिल्ली विधानसभा अपने क्षेत्राधिकार के दैनिक प्रशासन के मामले से संबंधित कोई नियम नहीं बनाएगी। केंद्र सरकार ने इस संशोधन का मकसद मूल विधेयक में जो अस्पष्टता है उसे दूर करना बताया, ताकि इसे लेकर विभिन्न अदालतों में कानून को चुनौती नहीं दी जा सके। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 2008 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल को सभी निर्णयों, प्रस्तावों और एजेंडा की जानकारी देनी होगी। यदि उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच किसी भी मामले पर विचारों में भिन्नता है तो उपराज्यपाल उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 239(a) के तहत राष्ट्रपति दिल्ली के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगर उपराज्यपाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच किसी विषय को लेकर विचारों में अंतर होता है तो उपराज्यपाल इसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। दिल्ली की वर्तमान स्थिति 69वें संविधान संशोधन अधिनियम का परिणाम है, जिसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239(a)(a) और 239(b)(b) शामिल किए गए थे। केंद्र सरकार के अनुसार दिल्ली सरकार के किसी अधिकार को कम नहीं किया गया है और दिल्ली की सरकार के पास सीमित विधायी अधिकार है। तो ये थी पहली खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो संबंधित है ग्राम उजाला योजना से। हाल ही में केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर के सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL की अनुषंगी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब का प्रति बल्ब 10 रुपए पर वितरण करेगी। ग्राम उजाला कार्यक्रम के पहले चरण के तहत 5 जिलों के गांवों में 1.5 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा।
इससे भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य नीति के तहत 202.5 करोड़ यूनिट सालाना बिजली की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 16.5 लाख टन वार्षिक की कमी आएगी। इस कार्यक्रम के जरिए मात्र 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेहतर प्रकाश की व्यवस्था की जा सकेगी। इससे बेहतर जीवन स्तर, आर्थिक बचत, अधिक आर्थिक गतिविधियां और ग्रामीण नागरिकों की बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था की जा सकेगी। भारत ऊर्जा के दूसरे स्रोतों के उपयोग के साथ साथ ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में भी नेतृत्वकारी भूमिका में आ गया है। इस योजना को विशेष रूप से ग्रामीण घरों के लिए तैयार किया गया है और इससे ऊर्जा की पर्याप्त बचत होगी, क्योंकि हर 12 वाट का LED बल्ब 100 वाट के परंपरागत बल्ब जितना ही प्रकाश देता है। विद्युत राज्य मंत्री ने उजाला योजना को लागू करने के लिए EESL द्वारा किए प्रयासों की प्रशंसा की। इस योजना के तहत 36 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जा चुका है और देश भर में 1 करोड़ 15 लाख स्ट्रीट लाइटों को LED लाइटों में बदल दिया गया है और इससे हजारों मेगावाट बिजली की बचत हुई है। अब ग्राम उजाला योजना ग्रामीण घरों में लागू की जाएगी, जहां LED बल्बों को मात्र 10 रुपए की दर पर वितरित किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत बिहार के आरा जिले से की गई और 2 दिन के भीतर 6,150 बल्बों के वितरण के लक्ष्य को पार कर लिया गया। इस कार्यक्रम के तहत 7 वाट और 12 वाट के LED बल्बों को 3 साल की वारंटी के साथ ग्रामीण उपभोक्ताओं को परंपरागत बल्बों को लौटाने पर उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम उजाला कार्यक्रम 5 जिलों के सिर्फ उन्हीं गांवों में लागू किया जाएगा, जहां उपभोक्ता पुराने सामान्य बल्बों के स्थान पर कम से कम 5 LED बल्ब लेंगे। इन ग्रामीण घरों में बिजली के उपयोग की निगरानी के लिए मीटर भी लगाए जाएंगे। पहले चरण में जिन जिलों में यह योजना लागू की जा रही है वे हैं बिहार में आरा, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांव। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। तो ये थी ग्राम उजाला से संबंधित प्रमुख जानकारियां। अब देखते हैं अगली खबर को। हाल ही में राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन करने वाले गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। आइए देखते हैं कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 की मुख्य विशेषताएं क्या है। विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भकाल की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक किया जाएगा और विशेष श्रेणी की महिलाओं के दायरे में बलात्कार से पीड़ित, अत्याचार के शिकार और दिव्यांग, नाबालिग जैसी कमजोर महिलाओं को शामिल किया गया है। गर्भधारण के 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए 1 चिकित्सक और गर्भधारण के 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए 2 चिकित्सकों की सलाह की जरूरत होगी। आपको बता दें कि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और यहां तक कि नेपाल भी महिलाओं को 20 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की अनुमति देता है, जबकि कनाडा, जर्मनी और वियतनाम समेत 23 देश महिलाओं को कभी भी गर्भपात कराने की अनुमति देते हैं। गर्भ समाप्त कराने वाली महिला का नाम और उससे जुड़े अन्य विवरणों का खुलासा कानून में प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं किया जाएगा, जैसा कि विधेयक में कहा गया है। कुछ विशेषज्ञों ने इस बिल को ऐतिहासिक करार दिया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय और यूनिसेफ के रिकॉर्ड के अनुसार 2017 में भारत में 1 लाख गर्भवती महिलाओं में 35,000 महिलाओं की मौत बच्चों को जन्म देने के दौरान हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं में से कई बार कुछ परेशानियां 6 से 7 महीने के गर्भ के बाद आती हैं, लेकिन पुराने नियमों के अनुसार किसी भी कीमत में 5 महीने के बाद अबॉर्शन कानूनी तौर पर नहीं करवाया जा सकता है। रिकॉर्ड के अनुसार 35,000 महिलाओं की मौत के पीछे का कारण अनसेफ अबॉर्शन है। अब कानूनी तौर पर अबॉर्शन के 6 महीने यानी कि 24 हफ्ता तक करवाया जा सकता है। इस पहल से मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। तो अभी तक हमने 3 खबरों पर चर्चा की, अब चर्चा करते हैं वाहन स्क्रैपिंग नीति की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बहुप्रतीक्षित नई वाहन कबाड़ नीति या व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा
कि हमने सभी वाहन निर्माताओं को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होने पर नया वाहन बेचते समय 5% की छूट देने की सलाह जारी कर दी है। नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को 1 महीने की अवधि या जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। आइए देखते हैं कि नई वाहन कबाड़ नीति की प्रमुख बातें क्या है। स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन का पंजीकरण खत्म होते ही वाहन को अनिवार्य फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। इस नीति के अनुसार व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट होगा। यदि कोई वाहन फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहता है तो उसे वाहन के जीवन का अंत माना जाएगा। वाहन मालिकों को फिटनेस परीक्षण करने और पंजीकरण को नवीनीकृत करने के बजाय वाहनों के जीवन के अंत में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पुराने वाहनों को चलाने से लोगों को हतोत्साहित करने के लिए पुराने वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण शुल्क को बढ़ाया जाएगा। स्क्रैपिंग को आसान बनाने के लिए पूरे देश में स्वचालित फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं वाहन मालिकों को अपने पुराना वाहन कबाड़ में बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने कुछ तरीके सुझाए हैं। जैसे यदि वाहन मालिक पुराने वाहन को स्क्रैप करने का विकल्प चुनते हैं तो 4-6% तक वाहन का एक स्क्रैप मूल्य वाहन मालिक को दिया जाएगा। रोड टैक्स में 25% तक की छूट दी जाएगी। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर वाहन निर्माताओं को नए वाहनों पर 5% छूट देने की सलाह दी जाएगी। तो इस तरह से जो वाहन अपने जीवन चक्र के अंत में पहुँच चुके हैं उन पुराने वाहनों पर 10-15% तक के कुल फायदों का लाभ लिया जा सकता है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर को भी स्थापित करने की बात की गई। इसमें यह कहा गया है कि वाहन कबाड़ नीति के मुताबिक ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट की सुविधा PPP मॉडल के आधार पर तैयार की जाएगी। इन टेस्ट सेंटर में ऑटोमेटिक टेस्ट होगा जो यह प्रमाणित करेगी कि कोई वाहन सड़क पर चलने के लिए फिट है या नहीं। 20 वर्ष से ज़्यादा पुरानी पैसेंजर कारों और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी ऐसे ही फिटनेस टेस्ट किए जाएंगे। यदि कोई भी वाहन इस ऑटोमेटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम रहता है तो उसे सड़कों से हटाना पड़ेगा तथा भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन मंत्री ने पुराने वाहनों को हटाने को सभी के लिए जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि वाहन कबाड़ नीति से न सिर्फ वाहनों का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार में मदद मिलेगी और ऑटो इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नई वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों की रीसाइकिलिंग से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कंपोनेंट्स की लागत कम होगी। तो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की बात करते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की। विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च के मौके पर केंद्र सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन और बेतवा नदी को जोड़ने का समझौता हुआ। इसके साथ ही सालों से अटकी केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत हो गई। यह परियोजना बुंदेलखंड को सूखे से निजात दिलाने के साथ ही वहां विकास का रास्ता बनाएगी। बुंदेलखंड में यह परियोजना एक जल क्रांति की तरह है। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। आइए जानते हैं परियोजना के बारे में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की ओर से नदियों को जोड़ने की पूरे देश में 31 परियोजनाओं की योजना है, लेकिन केन बेतवा पहला प्रोजेक्ट है जिसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी कुल लागत करीब 45,000 करोड़ आने का अनुमान है। इसमें कुल खर्च का 90% केंद्र सरकार और शेष दोनों राज्यों की सरकार उठाएगी। परियोजना के तहत केन और बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई जाएगी और दोधन बांध का निर्माण कर केन नदी का पानी बेतवा तक पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना के तहत केन नदी से बेतवा नदी में पानी भेजा जाएगा। इसके लिए दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा। दोनों नदियों को जोड़ने वाली नहर कोठा बैराज और बीना परिसर बहुद्देशीय परियोजना से इसमें मदद मिलेगी। इस परियोजना के साकार होने के साथ ही बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को नया रंग रूप मिला है।
इस प्रोजेक्ट से कई जिलों के लाखों लोगों को पानी मिलेगा। वहीं केन बेतवा के इस प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को लाभ होगा। इससे 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में साल भर सिंचाई हो सकेगी। साथ ही 62 लाख लोगों को पीने के पानी की सप्लाई संभव होगी। इसके साथ ही 103 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जब देश की 37 नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला लिया गया तो उसमें से एक यह परियोजना भी थी। केन बेतवा नदी जोड़ने संबंधी यह समझौता दोनों राज्यों की प्रगति के साथ जनता के लिए कल्याणकारी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक नए शोध में पाया गया कि कोविड महामारी के चलते लगभग 32 मिलियन भारतीय मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग में पहुंच गए, जिसके परिणाम स्वरूप देश में गरीबी में वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इस रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि पिछले साल के कोविड-19 महामारी के कारण आए आर्थिक संकट ने सालों के आर्थिक तरक्की को पीछे धकेलते हुए 3.2 करोड़ भारतीयों को मध्यम वर्ग से बाहर कर दिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रिपोर्ट में पाया गया कि नौकरी जाने के कारण लाखों भारतीय गरीबी में चले गए। अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा कि भारतीय मध्यम वर्ग या प्रतिदिन $10 से $20, जिसका अर्थ है 700 रुपए से 1500 रुपए प्रतिदिन के बीच कमाने वालों की संख्या में 3.2 करोड़ की कमी आ गई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि महामारी के एक साल के दौरान मध्यम वर्ग की संख्या महामारी के पहले से एक तिहाई घटकर 6.6 करोड़ रह गई, जिनका महामारी के पहले 9.9 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। विश्व बैंक की आर्थिक वृद्धि के अनुमानों का हवाला देते हुए प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा कि कोविड-19 मंदी में चीन की तुलना में भारत में मध्यम वर्ग में अधिक कमी और गरीबी में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि साल 2011 से साल 2019 के बीच लगभग 5.7 करोड़ लोग मध्यम आय वर्ग में आए थे। इस साल जनवरी में विश्व बैंक ने साल 2020 के लिए भारत और चीन के लिए क्रमशः 5.8% और 5.9% की आर्थिक वृद्धि के लगभग समान स्तर का अनुमान लगाया था, लेकिन महामारी के लगभग एक साल के अंदर भारत के लिए 9.6% के संकुचन और चीन के लिए 2% की वृद्धि के साथ विश्व बैंक ने इस जनवरी में अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया। भारत में इस साल की शुरुआत तक कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद कुछ औद्योगिक राज्यों में संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में सबसे अधिक 1.15 करोड़ कोविड-19 संक्रमित हैं। प्यू सेंटर ने अनुमान लगाया कि प्रत्येक दिन $2 या उससे कम आय वाले गरीब लोगों की संख्या 7.5 करोड़ बढ़ गई है, क्योंकि वायरस के कारण मंदी से सालों में हुई प्रगति पीछे छूट गई है। इस वर्ष घरेलू ईंधन की कीमतों में लगभग 10% की वृद्धि, नौकरी जाने और वेतन में कटौती ने लाखों घरों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कई लोग विदेशों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि हालांकि चीन में जीवन स्तर में गिरावट मामूली रही, क्योंकि मध्यम आय वर्ग की संख्या संभवतया 1 करोड़ घट गई, जबकि गरीबी का स्तर अपरिवर्तित रहा। प्यू रिसर्च सेंटर की इस रिपोर्ट के बाद अब बात करते हैं यूनिसेफ की जल से संबंधित रिपोर्ट। पूरी दुनिया में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके सबसे अधिक शिकार बच्चे हो रहे हैं। यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 5 में से 1 बच्चे को उसकी जरूरत के मुताबिक पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 4.5 करोड़ बच्चे ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पर पानी की काफी समस्या है। यही नहीं, वैश्विक स्तर पर 1.42 अरब लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 80 देशों में बड़ी संख्या में बच्चे ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पानी के संकट से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के आधे से अधिक बच्चों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में यह आंकड़ा क्रमशः 31 और 25% का है,
जबकि मध्य एशिया में यह स्थिति 23% बच्चों की है। रिपोर्ट में 37 हॉटस्पॉट देशों को चिन्हित किया गया है। इन जगहों पर जल संकट की स्थिति अधिक विकराल है। इन देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हैती, इथोपिया, तंजानिया, यमन, केनिया, बुर्किना फासो, सूडान आदि देश शामिल हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक के अनुसार पानी का संकट एकदम से नहीं आया है, यह लंबे समय से था और क्लाइमेट चेंज ने इसे भयावह बना दिया। जब अकाल ने फूड सप्लाई को बाधित किया तो बच्चे कुपोषण के शिकार होने लगे। जब बाढ़ आई तो बच्चे पानी जनित रोगों से बीमार पड़ने लगे। वहीं जब पानी के स्रोत कम हो गए तो बच्चों के पास इतना पानी नहीं था कि वे अपने हाथ धो सकें और रोगों से बचाव कर सकें। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का लगातार बढ़ना, शहरीकरण, पानी का दुरुपयोग और कुप्रबंधन, क्लाइमेट चेंज और मौसम की अप्रिय घटनाओं ने उपलब्ध पानी की मात्रा को कम कर दिया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में चेताया गया है कि 2040 तक 4 में 1 बच्चा पानी की गंभीर समस्या का सामना करेगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9.14 करोड़ बच्चे जल संकट का सामना कर रहे हैं, यानी बच्चों की कुल आबादी के 20% बच्चे इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अब एक नज़र यूनिसेफ पर। यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष कार्यक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में की गई थी, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की मदद की जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो संबंधित है नए बैंकों के आवेदन से संबंधित मूल्यांकन से। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व केंद्रीय बैंक डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ के तहत सार्वभौमिक बैंकों और छोटे वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए एक स्थायी बाहरी सलाहकार समिति की स्थापना करने की घोषणा की है। RBI ने अगस्त 2016 में निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों के लाइसेंस के ऑन टैप के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे और दिसंबर 2019 में निजी क्षेत्र में छोटे वित्त बैंकों के लाइसेंस के टैप ऑन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। दिशा निर्देशों ने संकेत दिया था कि सार्वभौमिक बैंकों के लिए आवेदन और छोटे वित्त बैंकों को शुरू में रिजर्व बैंक द्वारा आवेदकों की प्राथमिक योग्यता सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी। यह भी कहा गया कि बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों वाली एक स्थायी बाहरी सलाहकार समिति उसके बाद के आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और स्थायी बाहरी सलाहकार समिति के गठन की घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी। केंद्रीय बैंक ने 5 सदस्यीय पैनल की घोषणा करते हुए कहा कि इस स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। अब एक नज़र डालते हैं लघु वित्त बैंक, सार्वभौमिक बैंक और बैंकों के ऑन टैप लाइसेंसिंग पर। तो लघु वित्त बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो देश के उन क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। वहीं एक सार्वभौमिक बैंक कई प्रकार की बैंकिंग गतिविधियों में भाग लेता है और वाणिज्यिक बैंक और निवेश बैंक साथ ही बीमा जैसे अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। ऑन टैप लाइसेंसिंग का अर्थ RBI द्वारा वर्ष भर बैंकों के लिए आवेदन स्वीकारना और लाइसेंस जारी करना है। अभी तक हमने 8 खबरों पर चर्चा कर ली है, आगे देखते हैं कि विश्व एवं भारत में कितनी खुशहाली है। तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस से 1 दिन पूर्व जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को आयोजित किया जाता है। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में लॉन्च किया गया। इस वर्ष का वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट विश्व के लोगों पर COVID-19 के प्रभावों पर केंद्रित है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड को लगातार 4th वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। फिनलैंड के बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन,
जर्मनी और नॉर्वे का स्थान है। वहीं रिपोर्ट में अफगानिस्तान को सबसे नाखुश देश बताया गया है। रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं वर्ष 2020 में भारत को 156 देशों में 144वां स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को 105वां स्थान, बांग्लादेश को 101वां स्थान और चीन को 84वां स्थान मिला है। आपको बता दें कि किसी देश की खुशहाली मापने के लिए 6 मानकों पर सवाल तैयार किए जाते हैं। इनमें संबंधित देश की प्रति व्यक्ति की जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता और भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन के जवाब के आधार पर रैंकिंग की जाती है। विश्व में सबसे खुशहाल देशों को सूचीबद्ध करने के लिए भूटान ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा था। इसे मंजूरी मिलने के बाद से हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। अब देखते हैं अंतिम खबर को विस्तार के साथ। संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों, विश्व खाद्य कार्यक्रम या WFP और खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने साझा रूप से हंगर हॉटस्पॉट नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बढ़ती भुखमरी के लिए हिंसक संघर्ष, कठोर मौसम की घटनाओं और COVID-19 को जिम्मेदार बताया गया है। एजेंसियों ने हालात ना बिगड़ने देने के लिए सरकारों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित देश यमन, दक्षिण सूडान और उत्तरी नाइजीरिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा संकट अफ्रीकी देशों में है, लेकिन अब अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान और हैती जैसे देश भी भूख के तेजी से बढ़ने की आशंका का सामना कर रहे हैं। WFP और FAO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 3,40,00,000 लोग पहले ही आपात स्तर पर गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं, यानी भुखमरी से एक कदम ही दूर हैं। WFP के कार्यकारी निदेशक के अनुसार, हम अपनी आंखों के सामने तबाही देख रहे हैं। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन के चौंकाने वाले प्रभाव और COVID-19 के कारण लाखों परिवारों के दरवाजों पर अकाल दस्तक दे रहा है। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के मुताबिक इन अत्यंत संवेदनशील समुदायों को बचाने के लिए और संवेदनशील क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए मानवीय कार्रवाई की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों में आबादी के कुछ हिस्से पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट, कुपोषण और गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ऐसी अनिश्चित स्थिति में एक ही झटके में गरीबी या भुखमरी के कगार पर लोगों की एक बड़ी संख्या आ सकती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक भुखमरी से लाखों लोगों को बचाने के लिए तत्काल 3 चीजों की जरूरत है। लड़ाई को रोकना, कमजोर समुदायों तक मदद पहुंचाने की इजाजत मिलना और दानदाताओं का आगे आकर दान करना। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के मुताबिक दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्ष, COVID-19 वैश्विक महामारी, चरम जलवायु परिवर्तन, टिड्डी दल का फसलों पर हमला और सबसे कमजोर समुदायों तक पहुंच की कमी भूख को बढ़ावा दे रहे हैं। UN खाद्य और कृषि एजेंसी के महानिदेशक का कहना है कि पीड़ा का स्तर बेहद चिंताजनक है। वे कहते हैं, यह हम सभी का दायित्व है कि जिंदगियां बचाने, आजीविकाओं की रक्षा करने और बदतर हालात को टालने के लिए तुरंत और तेज कार्रवाई की जाए। अब एक नजर खाद्य और कृषि संगठन पर। खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य सबके लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। तो ये थी इस सप्ताह की 10 महत्वपूर्ण खबरें। हर सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।